देखो देखो। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में बाहुबली अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद की हत्या के बाद से हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। अतीक हत्याकांड के बाद उत्तर प्रदेश के कानपुर, लखनऊ, वाराणसी और प्रयागराज में कई जगहों पर सुरक्षा व्यवस्थाएं बढ़ा दी गई हैं। सीएम योगी के आधिकारिक आवास से लेकर प्रयागराज में उमेश पाल के घर तक सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है, लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश के कानून के राज पर गंभीर सवाल है। सवाल उठाने वालों में उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव से लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल तक का नाम शामिल है। कपिल सिब्बल ने अपने ट्वीट में लिखा है, 2 मर्डर्स इन UP, यानी उत्तर प्रदेश में 2 हत्याएं, अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद की और कानून की। वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव ने भी उत्तर प्रदेश के पूरे घटनाक्रम पर सवालिया निशान खड़ा किया है। अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में योगी सरकार पर सवाल खड़े करते हुए कई बातें लिखी है। उत्तर प्रदेश में अपराध की पराकाष्ठा हो गई है और अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। जब पुलिस के सामने सुरक्षा घेरे के बीच सरेआम गोलीबारी करके किसी की हत्या की जा सकती है तो आम आदमी की सुरक्षा का क्या? इससे जनता के बीच भय का वातावरण बन रहा है। ऐसा लगता है कि कुछ लोग जानबूझकर ऐसा वातावरण बना रहे हैं। हम तुमको दे देंगे भाई, हम तुमको दे देंगे। जनाजा हुआ था आज, आप लोग वहाँ गए थे कि नहीं? आज जनाजे में आप लोग नहीं गए थे, क्या कहना आप? कुछ कहना आईडी वो हम दे देंगे तुमको। नहीं नहीं बात देखो देखो। लेकिन उत्तर प्रदेश में हुई इस घटना पर कई गंभीर सवाल हैं। पुलिस के अभिरक्षा के बीच 2 हाई प्रोफाइल कैदियों को लोग मारते हैं, मारने के बाद गिरफ्तार हो जाते हैं। इस बीच कुछ बातें कही जाती हैं, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम से ये साबित होता है कि कानून का राज कहाँ है। उत्तर प्रदेश की घटना ने उत्तर प्रदेश में कानून के राज, बुलडोजर राज और सरकार के तमाम दावों पर सवाल खड़ा किया है। जिस शख्स की पूरी सुरक्षा को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सुनिश्चित किया जा रहा था, जिस शख्स की गाड़ी की 400 किलोमीटर के बाद जांच कराने की बात थी, जिस शख्स की हर 24 घंटे बाद मेडिकल जांच कराने की बात कही गई थी, उसे सरेराह गोली मारी गई है। प्रयागराज में धारा 144 लागू है, मुस्लिम इलाकों में गश्त बढ़ा दी गई है, पुलिस कर्मियों ने तमाम इलाकों में तमाम तरीके की व्यवस्थाएं की हैं, लेकिन सवाल इस बात पर है कि ये घटना हुई क्यों। योगी सरकार पर बहुत बड़ा डेंट लगा है, सरकार के सुशासन पर, सरकार के दावों पर। जो अतीक के खिलाफ कार्रवाई करके हीरो बन रही थी, इस बार गोली चलने की एक घटना ने सरकार की सारी व्यवस्थाओं को कटघरे में खड़ा कर दिया है।